नमस्कार, स्वागत है आपका आई टी नाउ स्वदेश में। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। क्या है विशेष? विशेष ये है कि कोरोना गया नहीं है। जब कोरोना था तो किसी ने कहा था कि मिल बैठ के वो हंसना वो रोना चला गया। अब तो कोई कह दे कि ये कोरोना चला गया। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन कोरोना है कि जाता ही नहीं है। वही कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी कोरोना हो गया है और उनके संपर्क में आए कई लोग भी अब संक्रमित हो गए हैं। एक बार फिर देश भर में कोरोना बढ़ गया है, खासकर 5 शहरों में, जिसके चलते एक बार फिर से अलर्ट होने की ज़रूरत है। 4 महीने बाद मुंबई में एक दिन में कोरोना के इतने मामले सामने आए हैं। अप्रैल महीने से भी तुलना की जाए तो मई में मुंबई के कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आखिर कैसे होगा कोरोना पर कंट्रोल, इस पर होगी आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। तोपे ने ये बयान दिया है कि मुंबई, पुणे और थाने ये हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इनको छोड़कर महाराष्ट्र के अन्य जिलों में स्थिति अभी सामान्य है। वहीं बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल ने मुंबई में बीएमसी को और मुंबई के लोगों को स्ट्रिक्ट तरीके से वार्न कर दिया है। मानसून अभी आ जाएगा, उसके चलते सिम्टोमेटिक केसेस बढ़ सकते हैं और अगर सिम्टोमेटिक केसेस बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव सीधा हॉस्पिटलाइजेशन पर पड़ता है। तो तमाम तौर पर बीएमसी के कमिश्नर ने ये निर्देश दिए हैं कि बीएमसी रेडी रहे। अब जहां की टेस्टिंग की बात की जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए, वैक्सीनेशन लोगों का बढ़ाना चाहिए, बूस्टर डोज जिनके पेंडिंग है वो तुरंत लिए जाए। बहरहाल कोरोना का साया फिर से छाने लगा है और ऐसे में एहतियात रखना फिर से जरूरी हो गया है, तभी कोरोना की गोरिल्ला वार में उस पर पार पाया जा सकता है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली जो कि मेंबर है कोविड टास्क फोर्स के और डॉक्टर राजेश ढेरे जो कि डीन है बीकेसी कोविड सेंटर के और बाकी जंबो फैसिलिटीज के इंचार्ज भी हैं। डॉक्टर डेरे, सबसे पहला सवाल आप ही से होगा क्योंकि पिछली बार ये जंबो सेंटर्स ही थे जिन्होंने मुंबई की जान बचाई थी। कितने तैयार हैं हम अगर फिर से केसेस बढ़ते हैं तो? नहीं, हमें 2 दिन पहले ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर सर के आदेश मिल चुके हैं और इस 2 दिन में बेड एक्टिवेशन शुरू हो चुके हैं और जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने सेकेंड वेव और थर्ड वेव में भी पूरे हमारे 2,500 बेड एक्टिवेट किए थे, वो हम करने की तैयारियां कर चुके हैं और कर रहे हैं। डॉक्टर भंसाली, आपसे सवाल था, रह कर कई बार लगता है अब चौथी वेव आई। कुछ समय पहले भी नंबर्स बढ़े थे, तब ये कहा गया था कि ये वेव नहीं है, हल्का सा अपटिक है। इन नंबर्स को हम कैसे देखें, क्या ये वेव है या ये हल्का सा अपटिक है? जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, जहां तक मेरा अपना अनुमान है, ये वेव नहीं है। वेव अलग तरह से आती है, सडनली आती है, बहुत लोगों को बहा के ले जाती है, ये वेव नहीं है। यस, ये एक तरह का सर्ज है, ये एक स्पाइक है
जो केसेस कभी मुंबई में बढ़ेंगे सडनली, कभी आपको मालूम पड़ेगा पुणे में केसेस बहुत ज्यादा आगे, कभी आपको मालूम पड़ेगा जयपुर में आगे, कभी आगरा में, कभी दिल्ली में, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में सडनली केसेस बढ़ सकते हैं दो दिन चार दिन एक हफ्ते के लिए, फिर बाद में कम हो जाएंगे, फिर थोड़े बहुत आ सकते हैं जैसे डेंगू होता मलेरिया होता, उस टाइप से इस टाइप के केसेस थोड़े बहुत सडनली सर्ज स्पाइक आ सकता है। मेरा पर्सनल अनुमान है कि ये वेव नहीं है। लेकिन दूसरा जो इसके अंदर BA.4 और 5 के केसेस आ रहे हैं या BA.1.2 के जो आ रहे हैं, ये सब ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जो इसका था उसी के वेरिएंट है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हो चुका है, नॉट ओनली मुंबई, पूरी कंट्री के अंदर, इसलिए ओमिक्रॉन थर्ड वेव ने हमारे को कोई नुकसान, बड़ा नुकसान बिल्कुल नहीं किया। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि अगर ये वेव आती है या केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते भी है तो हमने हमारी तरफ से तैयारी कर ली है पूरी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मीटिंग ली इसके बारे में, ऑनरेबल CM साहब ने इस बारे में मीटिंग ली, सारी तैयारियां करके रखी है। तैयारियों का मतलब है कि जो जंबो सेंटर डॉक्टर राजेश डेरे साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने सारे जंबो सेंटर फुली एक्टिवेट कर रखे। मैंने आज ही हमारे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है बॉम्बे के, बॉम्बे हॉस्पिटल ब्रिज के नहीं, लीलावती नानावती, 141 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल मुंबई में, उन सबको भी अलर्ट पे कर दिया है कि आप अपने कोविड वार्ड चालू रखें, बेड रेडी रखें, जब भी पेशेंट आते हैं तो इमीडिएटली भर्ती करना, उसको ना नहीं बोलना है। अब तक सारे प्राइवेट हॉस्पिटल मुंबई में मिला करके टोटल 12 से 13 पेशेंट ही भर्ती है, और वो भी वार्ड के अंदर है, किसी को ICU की जरूरत नहीं है, किसी को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए हमको बिल्कुल डरना नहीं है, वी शुड नॉट बी फियरफुल एट ऑल, बट ओमिक्रॉन की जब वेव हुई तो ऑक्सीजन की तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फर्क यह है कि तब तक रिस्ट्रिक्शन थे, तब तक मास्क लोग पहनते थे, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग थी, लेकिन आज जब हम बाहर जाते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती है, मास्क खत्म हो चुके हैं। क्या वो समय आ चुका है कि हम थोड़ा सा मास्क से फिर दोस्ती कर लें? क्यों नहीं, ऑलरेडी 2 दिन पहले ऑनरेबल CM सर ने इंस्ट्रक्शन और हेल्थ मिनिस्टर ने दे चुके हैं कि लोगों ने अभी मास्क जहाँ जहाँ जरूरी है, जैसे क्राउडेड प्लेसेस हो, पब्लिक प्लेसेस हो, जहाँ जहाँ जरूरी है और आप किसी के नज़दीक आ रहे हैं तो श्योरली अभी मास्क पहनना शुरू होना चाहिए, जिससे कि ये फैलाव जो भी सर्च अभी सर ने टेम्पररी बताया है उसमें हमें रेस्ट्रिक्शन जल्दी से जल्दी पा सके। डॉक्टर भंसाली, जो मेरा सवाल आपसे यहाँ पर था वो यही था कि ये जितने भी केसेस आ रहे हैं उनमें क्या हम ये देख रहे हैं कि कुछ सीरियस केसेस भी हैं, क्या कहीं ज़रूरत पड़ रही है ICU की, ऑक्सीजन की, और क्या आगे आने वाले समय में ये थोड़ी सी और स्थिति जो है वो पहले से ख़राब हो सकती है? जी उत्कर्ष, जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा अपना अनुमान है, अभी तक जिस तरह से केसेस आ रहे हैं मेरे पास, यस एवरी डे के कम से कम 20 से 25 पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनके फोन आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, हेडेक हो रहा है या रनिंग नोज वगैरह हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ रहे। जो एक सेकेंड वेव के टाइम में परेशानी थी कि हर आदमी का फोन आता, मेरा सांस फूल रहा है, मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर के 80 हो गया है, 75 हो गया है, 89-90 चल रहा है, उस टाइप के कॉल बिल्कुल भी सेकेंड वेव के बाद से अभी सब बंद हो गए, उस टाइप में कॉल नहीं है। सो पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। यस, कोई पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन सोर थ्रोट, कोल्ड, कब, जो नॉर्मल एक फ्लू सिम्टम्स होते हैं, वायरल होते हैं, उस टाइप के केसेस आ रहे हैं मुझे, और अधिकतर पेशेंट्स 99% पेशेंट्स घर में रह करके ही ट्रीटमेंट दे रहे और रिकवरी भी बड़ी फास्ट है, 3 से 5 दिन में पेशेंट ठीक भी हो। बहुत कम है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, जिनके पास जगह नहीं आइसोलेशन की, तो उस टाइप के हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन या उनको ऑक्सीजन या ICU की जरूरत अभी तक फिलहाल नहीं लग रही है, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से खराब कोई स्थिति आने वाली है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग अलर्ट है, लोगों को मालूम है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में क्या क्या करना है। अभी हमने मास्किंग वापस चालू करने का बोला है, और एटलीस्ट चाहे वो कोविड पॉजिटिव है चाहे नहीं है, जिस भी व्यक्ति को कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर आता है, उनको मास्क लगाना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा हथियार जो वैक्सीन है वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। वैक्सीनेशन एंड मास्किंग, ये दो चीज बराबर यूज करेंगे तो कैसी भी वेव, कैसा भी सर्ज आए, उसमें डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर राजेश, आपसे ये सवाल आता है, वैक्सीन की अगर बात होती है, जो जंबो सेंटर हैं और जो BKC का जंबो सेंटर है वहाँ पे काफ़ी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफ़ी जोर शोर से चल रही है। अभी कई लोगों के मन में है ना एक सवाल आ रहा है कि अरे दो वैक्सीन तो ले ही नहीं, कोरोना चला गया है, बूस्टर डोज की क्या ज़रूरत है? कितना ज़रूरी है कि चाहे आप
ठीक हों, चाहे आपके आसपास कोरोना ना हो, लेकिन बूस्टर डोज लेना है क्योंकि अभी अवेलेबल भी है सब जगहों पे और आसानी से मिल भी रही है। क्यों नहीं, बूस्टर डोज हर एक के लिए लेना जरूरी है, क्योंकि आप जब सेकेंड डोज लेते हो या फुल्ली वैक्सीनेट होते हो तो इसमें से जो एंटीबॉडीज आती है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में कुछ महीनों के लिए उसका नंबर अच्छा होता है, बाद में वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने, जो भी 12 प्लस कैटेगरी अभी गवर्नमेंट ने दिए टिल 60 और टिल ओल्ड एज ऑल्सो, हर एक ने बूस्टर लेना जरूरी है, जिससे कि आपके जो एंटीबॉडीज ब्लड में है उसका नंबर अच्छे मात्रा में मेंटेन रहे और उससे आने वाली जो आपकी कोविड इन्फेक्शन है इससे हमें बचाव मिले हर सिटीजन को। इसीलिए बूस्टर डोज लेना काफी जरूरी है। एक बड़ा सवाल है पे मॉनसून को लेकर, बहुत बात हो रही है, तो डॉक्टर बंसाली मैं आपसे पूछूंगा फिर डॉक्टर राजेश आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर। कह रहे हैं कि भाई मॉनसून आने वाला है तो प्रिपरेशन जरूरी है, तो क्या मॉनसून का कोविड से कुछ तालमेल है, लेना देना है? मॉनसून का ज्यादा तालमेल नहीं है, क्योंकि इस तरह के मॉनसून में वैसे भी जनरली लोगों को सर्दी जुकाम बुखार कोल्ड कफ ये सब चीजें शिकायतें होती है, बारिश में ज्यादा गीला हो जाता है, नंगे पांव चलने लगते हैं, तो लोगों को एक वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। मानसून ही नॉर्मल बीमारियां होती है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो लेप्टोस्पायरा हो, चिकनगुनिया हो, वो ये सीजन में जनरली होती है। लोगों में एक डर ना हो जाए किसी तरह का कि ये मेरे को, बिकॉज दोनों के सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं, तो ऐसा एक तरह का डर या भ्रांति ना फैल जाए कि नहीं मुझे कोविड हो गया, वो एक डर नहीं रहे। इसीलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि मानसून का टाइम है, इसमें वायरल इन्फेक्शन होने वाला है, चाहे वो डेंगू मलेरिया कुछ भी हो, उससे डरना नहीं है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी है इस मानसून में कि नंगे पांव सड़क पे नहीं चलना है, जो ये हाइजेनिक फूड है वो ही लेना, अनहाइजेनिक फूड से रोड पे पानी पूरी वगैरह खाते हैं उन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है और ठंडा खाना पीना से बचना है। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, और डॉक्टर राजेश मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही मॉनसून आता है तो जो कोविड के लक्षण है वो कोई अलग लक्षण तो है नहीं, कोविड के लक्षण और सर्दी खांसी एक साथ होती है, और हम अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि अरे नहीं मैंने कल थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी ली थी या मैंने बाहर कुछ खा लिया था या कहीं बाहर चला गया था, इस वजह से मुझे जो है सर्दी खांसी या गला खराब है। कितना इम्पोर्टेंट है टेस्टिंग को वापस से सरकार के लिए भी बढ़ाना और लोगों के लिए भी कि जब कभी लक्षण दिख रहा है तो जाके अपने आप को टेस्ट कराएं। क्यों नहीं, ऑलरेडी जैसे बीएमसी से हमें आदेश आ चुके हैं 2 दिन पहले कमिश्नर सर के कि टेस्टिंग सबने बढ़ानी है, फिर वो जंबो सेंटर्स हो या वार्ड ऑफिसर्स हो। अभी क्या होने वाला है कि जैसे मानसून आता है, ऑलरेडी 2 साल लास्ट 2 मानसून हमने ये कोविड पैंडेमिक में गुजार चुके हैं, इसलिए काफ़ी मात्रा में लोगों को पता है। फिर भी अगर किसी को भी सर्दी खांसी या फ्लू जैसे सिम्टम आते हैं, इरिस्पेक्टिव वेदर वो कोविड है या नहीं, उन्होंने नज़दीक के आरटीपीसीआर टेस्टिंग सेंटर, जैसे आपको पता है कि महानगर पालिका के हर एक वार्ड में, हर एक जंबो सेंटर में, हर एक मेजर हॉस्पिटल में, पेरिफेरल हॉस्पिटल में, हर जगह आपको फ्री टेस्टिंग अवेलेबल है। इसलिए हर नागरिक में फ्लू जैसे अगर सिम्टम आते भले वो नॉन कोविड भी हो, अपनी टेस्टिंग करा के कंफर्म करके लेना जरूरी है कि ये सिम्टम्स कोविड के नहीं है, नॉन कोविड के है, जैसे कि मानसून रिलेटेड डिजीजेस में होते, जैसे भी गौतम सर ने भी बताया डेंगू हो, बाकी भी चीज़ें हो। डरना नहीं है, सतर्क रहना है, टेस्ट करना है, और कुछ भी अगर आपको तकलीफ हो रही है तो नज़दीक के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आपके फैमिली डॉक्टर हो, उनको ज़रूर जाके आप मिलिए और उनके गाइडेंस में जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करिए, तो डरने जैसी कोई बात नहीं। 2 मानसून हम मुंबई में या इंडिया में अंडर दिस कोविड पैंडेमिक ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, और मुझे पता है ये 4th वेव का जो अंदेशा है वो हम अच्छी तरह निभाएंगे, और मुझे नहीं लगता 2nd वेव इतनी कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत, इस 4th वेव जो एंटिसिपेटेड वेरियंट है इसको लगना ज़रूरी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर भंसाली दोनों, आप दोनों की बात सुन के एक बात साफ हो रही है कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भंसाली आपसे ये सवाल लूँगा, तो आप यहाँ से क्या प्रोटोकॉल एक आम इंसान को निभाना चाहिए देखते हुए कि देखिए नंबर थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि सावधानी ज़रूरी है, किन किन चीज़ों में सावधानी रखें?
बस मेन सावधानी की बात है, मास्किंग, मास्क एक आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है। इनफैक्ट जो भी पर्सन, जिसको भी कोल्ड होता है, जिसको भी खांसी आ रही है, जिसको भी फीवरिश फील हो रहा है, आप मास्क पहनिए, आप खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी इन्फेक्शन से बचाएंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को आप रोकेंगे। तो सबसे बड़ा है मास्किंग। दूसरा, जो ओवर क्राउडेड एरिया है वहां पे जाने से आपको बचना है। तीसरा, जो ये मानसून का टाइम आ रहा है, इस मानसून के टाइम में ठंडा खाने पीने से आपको स्ट्रिक्टली बचना है, रोड साइड फूड से थोड़ा सा बचेंगे तो बेहतर रहेगा। और चौथा, जो सबसे बड़ा वेपन जो मैं बताता हूँ हमारे हिंदुस्तान की सक्सेस का, वो है वैक्सीनेशन। जिन्होंने अभी तक अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी जाकर के बूस्टर डोज ले। वैक्सीन की वजह से ही हम लोगों ने सेकेंड वेव और थर्ड वेव को पार पाया था। और अगर कोई भी अभी वेरियंट आता है, कोई भी अगर अभी किसी भी टाइप का सर्ज आता है, उसको हम लोग आराम से पा सकते हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन और मास्किंग। ये दो सबसे बड़े हथियार है, इनका विशेष आपको सबको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है, वी शुड बी केयरफुल नॉट फियरफुल। चलिए आखिरी सवाल, क्लोजिंग कमेंट्स डॉक्टर राजेश आपसे लूंगा मैं यहाँ पर। जो आपने शुरुआत में बात की थी कि क्या बीएमसी, क्या जो जंबो हॉस्पिटल्स हैं, क्या जो सिस्टम है वो तैयार है अगर अकस्मात एकदम से नंबर्स बढ़ते हैं, हाउ रेडी आर वी, क्योंकि बीच में क्योंकि वेव कम हो गई थी, तो क्या हम तैयार हैं अगर कुछ होता है तो? ऐसा नहीं, आपने देखा होगा महानगर पालिका जो जंबो हॉस्पिटल्स है, पिछले थर्ड वेव में भी 1 से 7 दिन में हमारा पॉजिटिविटी रेट मैक्सिमम हुआ था मुंबई में। हमने सारे जंबो 8 से 10 दिन में एक्टिवेट करके फुल कैपेसिटी से हमने पेशेंट लेना शुरू किया था। इस टाइम भी ऑलरेडी 2 दिन से हमारे प्रिपरेशन चल रहे हैं और अगले 6 से 8 दिन में पूरे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। मैन पावर से लेके मेडिसिन से लेके सारी चीज़ों की तैयारियां टाइम से पहले हो जाएगी। अगर गलती से भी ज़रूरत पड़ती है, अपसर्ज हो या फोर्थ वेव हो, जो नया वेरिएंट है, जंबोज में काफ़ी तैयारियां हो जाएगी और हम पूरी तरह तैयार है अगर ज़रूरत पड़े तो। चलिए, तैयारी पूरी है पर सावधानी ज़रूरी है। डॉक्टर राजेश, डॉक्टर गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे शो पे और हमारे दर्शकों को इस बारे में और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मास्क आपका दोस्त है, मास्क से अभी दुश्मनी इतनी जल्दी ना करें।